हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं आज है संडे, तो हैप्पी संडे। तो देखिए, मैं आज संडे का डीप क्लीनिंग करने का व्लॉग लेके आई हूँ। तो देखिए, मैं संडे को कैसे अपने घर को सफाई करती हूँ पूरा अच्छी तरह से। पूरे सब तरफ जब धूल हो जाते हैं तो मैं किस तरह से सफाई करती हूँ। तो अभी मैं सबको झाड़ ले रही हूँ अच्छी तरह से, सूखे कपड़े से मैं अच्छी तरह से फूल को, सब फोटो फ्रेम को इस अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। और मैं आज संडे है तो मैं पूरे अपने घर का डीप क्लीनिंग करूँगी। डस्टिंग कर रही हूँ अभी। अभी देखिए, आईना को साफ कर लूँगी अच्छी तरह से। और हाँ फ्रेंड, आप लोग भी अपने घर में इसी तरह के काम करते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप लोग भी ऐसे ही काम करते हैं संडे के दिन। संडे के दिन तो छुट्टी रहता है, पर हाउस वाइफ को छुट्टी नहीं रहता है संडे के दिन, बल्कि और दुगना काम बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं अभी क्लीनिंग कर ले रही हूँ, सब तरफ डस्टिंग कर लूँगी अभी ड्रेसिंग को। और अभी देखिए, मैं कूलर को सब तरफ झाड़ लूँगी अच्छी तरह से। अब इसमें सब में सब पलंग उलंग सबको पोछ लूंगी, सबको अच्छी तरह से। अभी मैं पोछ रही हूँ, देखिए झाड़ लूंगी सब। अभी बेडशीट भी चेंज करना है तो अभी चेंज कर लूंगी। 2 दिन हो गया है बेडशीट को तो अभी चेंज नहीं किया, तो आज मैं चेंज करूंगी बेडशीट को भी। और देखिएगा मेरा रूम कितना अच्छा हो जाएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा रूम डस्टिंग करने के बाद। तो देखिए, अभी मैं अलमीरा को पोछ लेती हूँ अच्छी तरह से, बेडशीट को हटा दूंगी और सब तरफ पोछ लूंगी। देखिए, बेडशीट सब में हटा के और फिर बेडशीट को हटा लूंगी। ये मैंने पलंग पे प्लास्टिक बिछा रखा है ताकि अंदर बच्चे हैं अभी खेलते उलते हैं, बेड पे खाना उना पानी ऐसे गिरा उरा देते हैं, इस वजह से मैंने प्लास्टिक बिछा रखा है बेड पे। तभी मैं दूसरे बेडशीट बिछा देती हूँ। देखिए जल्दी से, मैंने बिछा दिया है। देखिए अभी बेडशीट ही चेंज हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है, साफ साफ लग रहा है। और देखिए, मैं तकिया का कवर अभी मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये गंदा भी उतना नहीं हुआ है, वो साफ़ ही है। सिर्फ बेडशीट चेंज हो जाता है, तकिया तो उतना गंदा नहीं होता है। और कुशन का कवर मैं चेंज अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी किसी दिन। और ये जो टेडी बियर है तो मेरे बेटी का है, तो वो उसे खेलती है, तो मैंने उसका उसके बर्थडे पर दिया था गिफ्ट। देखिए, मैं इसमें बक्सा है तो उसमें बिछा देती हूँ। अच्छी तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है रूम, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना? देखिए, थोड़ा ही सा क्लीनिंग करने के बाद रूम बहुत अच्छा। देखिए, मैं अब आ गई हूँ फर्स्ट रूम में, फर्स्ट रूम में भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं, तो लेकिन मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे अचानक मुझे कहाँ जाना पड़ गया, तो अब आगे वीडियो में बने रहे और देखते रहिए कि मुझे कहाँ जाना पड़ गया। तो अभी मैं इधर काम कर रही थी, उसी वक्त मुझे कॉल आ गया था, तो मैं और जल्दी जल्दी काम करने लगी, फिनिश करने लगी। देखिए, इधर अलमारी को सबको साफ कर लूँगी। अब इधर मेरे अलमारी पर वाल पेपर बिछा रखा है, इसे बिछा देने से धूल पड़ती है तो आसानी से साफ हो जाता है और अच्छा भी दिखता है, गंदा नहीं होता है दीवार वाल। और मैं इसीलिए मैंने बिछा रखा है। और कैसा लग रहा है मेरा अलमारी कमेंट करके जो बताइएगा। देखिए, मैंने फ्लावर से और कैसे सजा रखा है। और मैंने वो जो गमले हैं कांच के, तो उसमें मैंने लकी बेम्बो प्लांट लगा रखा है,
तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ये सब आर्टिफिशियल है, जो ये झाड़ी है और पर वो ओरिजिनल है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। देखिए फ्लावर कितना बड़ा फ्लावर है, ये सब भी आर्टिफिशियल है सर। मैंने फ्रिज पे एक रखा है, एक मैंने इन्वर्टर पर रखा है। टीवी भी पूछ लेती हूँ, हाँ मेरा टीवी ख़राब हो गया था, तो अभी कल ही बनवाया था टीवी को, तो उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो देखिए मैं भी ये पेन स्टैंड है, इसमें मेरे बच्चे हैं ना, सब निकाल के फिर उसमें रखते नहीं है, फिर नीचे रख देते हैं इसी वजह से। देखिए फ्रिज को भी पोंछ लेती हूँ। ऐसे तो मंथली मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ फ्रिज का, पर सप्ताह में एक वीकली जो होता है उसका डस्टिंग करती हूँ, ताकि धूल उल सब जगह नहीं पड़े। घर कितना भी साफ कीजिए पर गंदा हो ही जाता है, पर इसीलिए हमेशा साफ करते रहना चाहिए। तो मैं अभी टेबल और पोंछ लेती हूँ। इस रूम का भी बेडशीट चेंज करूँगी, इसमें भी मैंने प्लास्टिक बिछा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे मेरा बेटा सोता है। दोनों रूम में मैंने मैरून कलर का बेडशीट बिछाया है फ्रेंड, तो कैसा लग रहा है, मैचिंग मैचिंग हो गया दोनों रूम का बेडशीट। अब देखिए मैं आईना इधर पोंछ ले रही हूँ, मेरे कर्टन मैंने इधर दरवाजे पर रखे हैं, फिर टेबल पे मैं बिछा देती हूँ कपड़ा। देखिए मेरा क्लीनिंग हो गया है, अब मैं उधर कपड़े धोने के लिए डालूंगी। देखिए कैसा लग रहा है रूम, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। हाँ देखिए मैं कहाँ आ गई अचानक से। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ अचानक से इतने शॉर्ट नोटिस पे। और ये देखिए मेरे गोद में कौन है, तो देखते रहिए आप ये कौन है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यह है लीलोरु स्थान मंदिर और उसी का पार्क है। और अचानक से मुझे कॉल आया तो मुझे आना पड़ा, तो देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ। और बने रहिए, मैं अभी यहाँ का अच्छा अच्छा व्यू आपको सामने दूँगी, तो बने रहिए तो वीडियो में। देखिए मेरे बच्चे अभी यहाँ पे आके कितने खुश हैं और खेल रहे हैं। पार्क है ना, तो बच्चों के लिए देखिए मैं व्यू देखिए दिखा रही हूँ आपको, कितना ग्रीन ग्रीन है, फ्लावर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे अच्छे खेलने कूदने के सामान है बच्चे के, तो अच्छा लगता है। और देखिए मेरे वीडियो में इसी तरह बने रहिए और मैं आगे बताती हूँ। और मैं स्पेशल पर्सन से मिलाऊंगी, मेरे जो दिल के करीब है उनसे मिलाऊंगी, अपने फैमिली से। तो देखिए ये सब क्या है। और कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और देखिए मेरे फैमिली सब है वहाँ पे।